है जिंदगी ना आइसक्रीम है, खाओगे मजा आएगा, एंजॉय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तभी गलेगा, गलेगा। अगर छोड़ दोगे तो भी गल जाएगा, तो प्लीज खा लो ना, इतने मजेदार तो लाइफ है, ठीक है, तो इसको यूज कर लो ना, पढ़ लो ना, क्यों नहीं पढ़ सकते आप, आपके पास क्या कमी है, यू लुक लाइक ए स्पार्कलिंग डायमंड, आप आज एक हीरे, चमकते हीरे की तरह हो, जरूरत बस इसकी है कि जौहरी कैसा है, क्योंकि हीरे की चमक अकॉर्डिंग टू फिटिंग, हीरे की चमक उसके कटिंग पे फिटिंग करने करते हैं, क्रिटिकल डिपार्टमेंट लिखो दे। सो यू हैव टू वर्क टू डू अ हार्ड वर्क इन अ बिगर, क्योंकि एक चीज और आप जानते हैं, आपको बता दें, आप मेहनत इतना भी कर लो तो वे सही है, वे 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 अगर वे सही नहीं है तो सक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे आप लोग जैसे अरविंद में पढ़ते हैं, वे फिजिक्स के लॉ पढ़ते हैं, एस्कैलर एंड वेक्टर, एस्कैलर एंड वेक्टर, आई जस्ट एक्सप्लेन यू एस्कैलर एंड वेक्टर इन फ्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड ऑल पीपल द वैल्यू ऑफ फिजिक्स, आई जस्ट से एस्कैलर एंड वेक्टर, दो व्यक्ति है, दोनों के दोनों जाना है 90% लाना है, 90% हाउ मच 90%, बट वन हैव फुल प्लान, उसके पास पूरा प्लान, सॉरी उसे यार ओ हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है, एक के पास फुल प्लान है कि कैसे लाना है, क्या करना है, कहां मेहनत करना है, सारा जानता है, और दूसरा सिर्फ जानता है 90%, तो जो दूसरा है वो कभी जिंदगी में 90% नहीं लाएगा, क्योंकि उसको प्लान जाने का पता ही नहीं है, जानता ही नहीं कैसे, मुजफ्फर का रास्ता नहीं जाता है, बाईपास पे बैठा हुआ मोतिहारी जाएगा, मुजफ्फर को जाएगा, कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो बिकम फैक्टर, सभी बन जाओ ना, दिशा आपकी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो आप में है, मैग्नीट्यूड आप में है, आप में एक परिमाण है, सिर्फ दिशा की जरूरत है, दिशा। एंड वन मोर थिंग आई एड यू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो यू हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड आप जैसा मेहनत करोगे वैसा ही आगे बढ़ोगे। सो अभी जितना एक्शन ले रहे हो पढ़ाई पर,